ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैं चंद्रिका बहन आपसे बात करती हूँ। आज का कार्यक्रम विशेष 87th शिव जयंती महोत्सव के संबंध में रखा था। हम सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा हैं और परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य करवा रहे हैं। इसी जागृति के लिए आज का ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हजारों भाई बहनों ने लाभ लिया है और जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया है। हम स्वयं बन करके संसार को श्रेष्ठ बनाने का कार्य संपन्न करेंगे, ऐसी शुभ भावना के सहित आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से राजयोगिनी शारदा बहन आप सभी से मुलाकात कर रही है। वर्तमान न सिर्फ भारत लेकिन सारे विश्व में हम देख रहे हैं, हर पल तनाव बढ़ता जा रहा है, परिस्थितियां बहुत जल्दी परिवर्तन होती जा रही है। इसलिए मनुष्य के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अब क्या होगा। मन अशांत, डिप्रेस और अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो गया है। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की जो सहज विधि सिखाई गई है, जिसमें स्वयं की पहचान कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, ये संकल्प उसके मन की अशांति को, उसके तनाव को और सामने आने वाली विभिन्न परिस्थितियों और समस्याओं का समाधान करने के लिए उसको मानसिक रीति से बैलेंस में लाती है। और जो राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं उससे आत्मा का परमात्मा से, जो सर्वोच्च शक्तियों का स्रोत है परमात्मा शिव, उससे शक्तियां प्राप्त कर उन विभिन्न परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने मन की शांति, खुशी, आनंद बनाए रखते हुए चारों तरफ सुख, शांति, आनंद और पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाने में मदद मिलती है। ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमारी नेहा बेन आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी की तरफ से ये आज का कार्यक्रम शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत इस थीम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इसमें शुरुआत में हमने एक बहुत सुंदर शिव नगरी बनाई थी और उस शिव नगरी में स्वर्णिम भारत क्या है, कैसा होता है, वहाँ की रहन सहन, वहाँ रहने वाले लोगों के आचार विचार व्यवहार क्या होता है, उसका दर्शन कराया गया। एक विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन था जिसमें आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र और राजयोग उसकी पूरी विस्तृत माहिती उसमें प्रदान की गई। फिर 12 ज्योतिर्लिंगम यहाँ पर बनाया गया था और उस 12 ज्योतिर्लिंगम का महत्व क्या है, वो निराकार परमात्मा अपने विविध कर्तव्य के आधार पर यादगार स्वरूप में आज उनका गायन पूजन हो रहा है, उसका सारा महत्व बताया गया। और राजयोग अनुभूति का एक विशेष स्टॉल था जिसमें हम आत्मा कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं और उस निराकार परमात्मा पिता के साथ के कनेक्शन से हम अपनी आत्मा में सर्व शक्तियों को भरपूर करके अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बना सकते हैं और आने वाली स्वर्णिम दुनिया में जाने के लायक बन सकते हैं, ये उनको बताया गया, समझाया गया। अगर हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के आधार को ध्यान में रखते हुए आज का ये पूरा ही कार्यक्रम का बहुत सुंदर आयोजन हुआ था, जिसमें पूरे अहमदाबाद के प्रतिष्ठित महानुभाव इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे थे। लगभग 3,500 के करीब
मेहमान इस कार्यक्रम में हाजिर थे और 17,000 के करीब का ऑडियंस पूरी सभा में आज आया हुआ था और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। ओम शांति।